ये बात 1943-44 की है। श्री महावीर सिंह आगरा छावनी में जीआरपी के अध्यक्ष थे। वे सत्संग के बड़े प्रेमी थे। साधु संतों में उन्हें अपार श्रद्धा थी। वे कुछ समय से जिगर के दर्द से बहुत पीड़ित थे। एक दिन श्री सिंह आगरा कैंट स्टेशन पर वर्दी पहने हुए घूम रहे थे कि लगभग 45 वर्ष के एक स्थूलकाय व्यक्ति ने, जो आधी धोती पहने हुए और आधी ओढ़े हुए था, बड़ी आत्मीयता से उनसे पूछा, महावीर सिंह, अब आपकी तबीयत कैसी है? श्री सिंह ने उत्तर दिया, अब काफ़ी फर्क है। जिगर का दर्द कैसा है? उस व्यक्ति ने पूछा। अभी थोड़ा थोड़ा है, श्री सिंह ने उत्तर दिया। वह भी ठीक हो जाएगा, उस पुरुष ने कहा। मैंने आपको पहचाना नहीं, श्री सिंह ने उस व्यक्ति के साथ साथ चलते हुए कहा। हम बाबा नीम करोरी हैं, उस व्यक्ति ने श्री सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े प्रेम से अपना परिचय दिया। श्री सिंह ने बाबा का नाम, उनके चमत्कारों के बारे में काफ़ी सुन रखा था, लेकिन इस समय उनकी आत्मीयता को से काफ़ी प्रभावित हुए। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, बाबा बोले तो श्री सिंह की खुशी का ठिकाना ना रहा। बाबा को लेकर महावीर अपने घर आए। इसके बाद से बाबा की प्रत्यक्ष कृपा उन पर लगातार बनी रही। लगभग 6 वर्षों तक कम से कम महीने में एक बार श्री सिंह को बाबा का दर्शन अवश्य मिलता था। उनके बंगले के बाहरी तखत पर ही बाबा का आसन लगा रहता। तखत पर केवल एक कंबल बिछा दिया जाता और एक तकिया रख दिया जाता। उस पर बैठकर बाबा घंटों बतियाते रहते। दिन में कभी सोते नहीं थे, कभी प्रवचन नहीं देते थे। स्नान के बाद देह नहीं पोछते, धोती बदलते ही उनका शरीर सूख जाता था। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो सदा ही।